हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के संसार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आई हूँ। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 सितंबर 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, ये सेशन जो है वो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आप लोग को पता ही है, मैं करंट अफेयर्स के सेशन में हर क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताती हूँ। फ्रेंड्स, अगर ये करंट अफेयर्स का सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, एटलीस्ट 1000 लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों को भी सपोर्ट मिले कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा है, ताकि हम इस सेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 किन्हें दिया गया। डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 जो है वह किन्हें दिया गया है, तो यह दिया गया है शेख हसीना को। और फ्रेंड्स, शेख हसीना कौन है, तो यह जो है यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इन्हें ही डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 दिया गया है। यह पुरस्कार जो है वो शेख हसीना को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के मुख्य सलाहकार तथा पूर्व राजदूत टीपी श्रीनिवासन ने दिया है। इन्हें ढाका में भारत तथा बांग्लादेश के बीच सहयोग विस्तार में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब मैं बता दूं कि यह जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2015 में हुई है। शुरुआत के बाद से यह जो पुरस्कार है वह मालदीव, घाना तथा मॉरिशस के राष्ट्रपतियों को दी जा चुकी है। यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उन राजनेताओं या नेताओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने देशों के लिए सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाई है। आई होप ये पुरस्कार के बारे में आप लोगों का जितना भी डाउट है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, पीएम है शेख हसीना और जो वहाँ पर करेंसी चलती है वह चलती है टका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि भारत का पहला केंद्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा। और यह जो है यह भारत का पहला केंद्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी है, यह कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में, यानी भारत का पहला केंद्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। यह यूनिवर्सिटी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्थापित किया जाएगा। यह यूनिवर्सिटी नगर व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पेशकश करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान तथा विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान तथा विकास केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है बेंगलुरु में, जो कि है कर्नाटक में। राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने किया। राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु के नेतृत्व में स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास पर राष्ट्रीय स्तर के संघ के रूप में स्थापित किया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में कुछ। तो कर्नाटक जो स्टेट बना था वो बना था 1 नवंबर 1956 को। इसके जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है, जो कि यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 30। CM है यहाँ के BS येदुरप्पा और गवर्नर है वजूभाई वाला। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल विश्व कप 2019 की विजेता कौन सी टीम बनी है। तो बास्केटबॉल विश्व कप का के विजेता कौन है, तो इसके जो विजेता है वो है स्पेन। बास्केटबॉल विश्व कप का जो आयोजन किया गया वो किया गया चीन के बीजिंग में। फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया। इस वर्ल्ड कप में कुल 32 टीम ने भाग लिया और यह जो अब तक का सबसे बड़ा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप था। यह टूर्नामेंट 2020 समर ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी है। 2019 FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप पुरुषों की राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम्स के लिए बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का 18वां टूर्नामेंट था। अगला वर्ल्ड कप जो है वो 2023 में जापान, इंडोनेशिया तथा फिलीपींस में आयोजित की जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूँ, जापान की कैपिटल है टोक्यो, इंडोनेशिया की जकार्ता तथा फिलीपींस की है मनीला। अगला वर्ल्ड कप इन्हीं तीनों कंट्री में 2023 में आयोजित की जाएगी।
स्पेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, जो कि यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। पीएम है पेड्रो सोनचिन और करेंसी यहाँ पे चलती है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किसने किया। तो हवा से हवा में मार करने वाली जो अस्त्र मिसाइल है उसका परीक्षण किया है DRDO ने। इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया। यह मिसाइल जो है वो पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी अपने देश की ही बनी है। इसका परीक्षण Sukhoi-30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया। अब हम लोग अस्त्र मिसाइल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यह BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली क्षमता वाली मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वह है 70 किलोमीटर। इसका उपयोग किसी भी मौसम में किया जा सकता है। हम लोग DRDO के बारे में कुछ जान ले। तो DRDO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फॉर्मेशन हुआ तो वह हुआ था 1959 यानी 1959 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो वह जो राज्य सरकार है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने अगर मोबाइल फ़ोन खो जाए तो मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह प्रोजेक्ट मोबाइल ग्राहकों को उनके चोरी हुए मोबाइल फ़ोन की रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रोजेक्ट के अनुसार मोबाइल फ़ोन चोरी होने के बाद दूरसंचार विभाग को शिकायत मिलते ही उस फ़ोन का IMEI नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे फ़ोन किसी भी नेटवर्क में काम नहीं करेगा। हम कह सकते हैं कि फ़ोन बिना काम का हो जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य बना था 1 मई 1960 को। यहाँ की कैपिटल है मुंबई। विंटर में कैपिटल बनती है नागपुर। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36 यानी कि 36। CM है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने मालदीव तथा बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए एक प्रशिक्षण शुरू किया है। यह प्रशिक्षण भारत में कहाँ होगी। भारत ने मालदीव तथा बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए एक प्रशिक्षण शुरू किया है। यह जो प्रशिक्षण है वह कहाँ होगी। तो यह प्रशिक्षण होगी उत्तराखंड में। यह प्रशिक्षण उत्तराखंड के मसूरी में होगी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG द्वारा संचालित किया जा रहा है। NCGG के बारे में कुछ जान ले। तो NCGG एक अग्रणी सिविल सर्विस प्रशिक्षण संस्थान है तथा यह दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका के कई देशों में सिविल सेवकों को प्रशिक्षित कर रहा है। और उत्तराखंड के बारे में जान ले। तो उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। इसकी कैपिटल तथा जो लार्जेस्ट सिटी है वो है देहरादून। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का जो पहला राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब है वह कहाँ स्थापित किया गया है। तो वह स्थापित किया गया है कोलकाता में, जो कि है वेस्ट बंगाल में। कोलकाता सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर शोध का केंद्र होगा। इस केंद्र का उद्घाटन कोलकाता के US वाणिज्य दूतावास और US स्वास्थ्य का मानव सेवा विभाग के सहयोग से संयुक्त रूप से ICMR द्वारा किया गया। अब हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो कि वहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। डिस्ट्रिक्ट है टोटल 23। CM है यहाँ की ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनकर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंगापुर थाईलैंड तथा भारत की नौसेना के बीच पहला त्रिपक्षीय अभ्यास कहाँ शुरू किया गया। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, यह पहला त्रिपक्षीय अभ्यास है जो सिंगापुर थाईलैंड तथा भारत की नौसेना के बीच हुआ है। तो यह कहाँ शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है पोर्ट ब्लेयर में। इस अभ्यास का नाम है SITMAX यानी SITMEX SITMAX इस अभ्यास का नाम है। यह अभ्यास रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, रॉयल थाईलैंड नेवी तथा भारतीय नौसेना के बीच होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य सिंगापुर थाईलैंड तथा भारत के बीच समुद्री अंतर संबंधों को बढ़ावा देना है तथा इस क्षेत्र के समग्र समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देना है।
हम लोग थाईलैंड के बारे में जान ले। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, जो कि यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। पीएम है प्रयुत चान ओ चा, और करेंसी चलती है यहाँ पे भारत। सिंगापुर की बात करें अगर, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, पीएम है ली शिन लुंग, और करेंसी चलती है यहाँ पे सिंगापुर डॉलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली सैन्य राजनयिका कौन बनी है। तो वह कौन है जो भारत की पहली सैन्य राजनयिका बनी है, तो वो है अंजलि सिंह। अंजलि सिंह जो है भारत की पहली सैन्य राजनयिका बनी है। विंग कमांडर अंजलि सिंह विदेश के किसी भी इंडियन मिशन के तन में तैनात होने वाली भारत की पहली सैन्य राजनयिका बन गई हैं। अंजलि सिंह भारतीय दूतावास में डिप्टी एयर अटैच के रूप में शामिल हुई है। अब एयर अटैच क्या होता है, तो यह एक वायुसेना अधिकारी होता है जो एक राजनयिक मिशन का हिस्सा होता है। अंजलि सिंह जो है यह 10 सितंबर 2019 को अपना नया कार्यभार संभालेंगी। फ्रेंड्स, इस तरह आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है हमारा वो एंड होता है। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशन हो आपके पास तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे जो नए जितने भी वीडियो आए अपलोड हो उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़रूर एटलीस्ट 1000 लाइक करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन लाने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।